कोरोना का प्रभाव पता लगाने के लिए इन दिनों डॉक्टर एंटीजन आरटीपीसीआर टेस्ट के अलावा एचआरसीटी स्कैन भी बताते हैं। इस हाई रेजोल्यूशन सीटी स्कैन से छाती में जमे कफ की मात्रा का ठीक ठाक अनुमान लग जाता है। दिल्ली के अशोक विहार में वडेरा भवन में बने जांच केंद्र में सेवा भारती ने यही सीटी स्कैन रियायती दरों पर कराने का फैसला किया, ताकि निम्न मध्यम वर्गीय या फिर कम संपन्न लोगों को कोरोना बीमारी के अलावा महंगा इलाज तंग ना कर सके। बाजार में यही टेस्ट 5,000 से 8,000 के बीच होता है, मगर सेवा भारती ने इस टेस्ट की कीमत अपनी लागत से भी कम रखी है। यहां तक कि अगर कोई साधन विहीन होगा तो सेवा भारती के पास इसका भी विकल्प है। तो सेवा भारती ने निर्णय किया कि हम कॉस्ट बेस्ड एचआरसीटी करेंगे। तो 2,200 रुपए में कोई भी व्यक्ति आ जाए उसका एचआरसीटी हो रहा है, और उसके पास 2,200 रुपए भी नहीं है तो संस्था उसकी व्यवस्था करती है। एचआरसीटी कराने वाला कोई गरीब व्यक्ति भी आता है तो उसका वहां पर एचआरसीटी होता है। कोरोना के संक्रमण का सही आकलन करने में सेवा भारती का एक डायग्नोस्टिक सेंटर काफी मदद कर रहा है। कोरोना से पहले भी बीते कई साल से सेवा भारती का यह केंद्र लोगों को सिर्फ लागत पर कई तरह की टेस्ट रिपोर्ट मुहैया कराता आया है। विशेषकर किडनी के मरीज जिन्हें डायलिसिस की जरूरत है, उनके लिए दिल्ली का यह केंद्र जीवनदायी बन चुका है, क्योंकि 2,500-3,000 का डायलिसिस यहां सिर्फ लागत मात्र 800 रुपए में हो जाता है। और एक सेवा भाव दिखाई देती है, और आज के टाइम में इतना ही काम बिना किसी के सिफारिश के हो जाए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा सेवा भारती के सेंटर पर। हमने अभी सिटी स्कैन के लिए खुले यहाँ पर इंस्टेशन कराया था, उन्होंने 2:30 बजे हमें बुलाया था। अभी हम आए, अभी बहुत अच्छी तरीके से दो पेशेंट का सिटी स्कैन किया गया। सेवा भारती के दूसरे कार्यों की तरह ये जांच केंद्र भी दानकर्ताओं की मदद से अरसे से समाज की सेवा करता रहा है। कोरोना के संक्रमण काल में सेवा भारती ने प्राणवायु नाम से ऑक्सीजन सेवा की भी शुरुआत की, साथ ही दिल्ली के कई हिस्सों में आइसोलेशन सेंटर खोले, प्लाज्मा के अलावा ब्लड डोनेशन के लिए बाकायदा व्यवस्था बनाई, अकेले रह गए बुजुर्गों को भोजन दवाएं आदि भी सेवा भारती के कार्यकर्ता उपलब्ध करा रहे हैं। और दुर्भाग्यवश अगर कोरोना किसी की जान ले ले तो ऐसे में कई बार अपने भी साथ छोड़ जाते हैं। ऐसे परिवारों को अंतिम संस्कार कराने में सेवा भारती के कार्यकर्ता हर तरह की मदद कर रहे हैं। इसके लिए सेवा भारती ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। ये हेल्पलाइन नंबर है 8010-066-066, जिसके माध्यम से जरूरतमंद तक सेवा भारती के कार्यकर्ता हर तरह की मदद पहुंचाते हैं।